بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 10, once again I'm here to record a video lecture of biology for you. And today my topic is human urinary system. Human urinary system or urinary system of मैन. यूरिनरी सिस्टम क्या है? यूरिनरी सिस्टम आपके बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम है जिसका काम है द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं. उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं. ये वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक होते हैं, अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो ये बॉडी के होम्योस्टैटिक को डैमेज करती है, बॉडियों के होम्योस्टैटिक को ख़राब करती है, और इस तरह इससे बॉडी में मौजूद एंजाइम फंक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन इफेक्ट होते हैं. तो बॉडी जब भी होम्योस्टेसिस करेगी तो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करेगी. ये वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी से लंग्स भी हटाती हैं, स्किन भी हटाता है, लेकिन आपके बॉडी का सबसे बड़ा होम्योस्टैटिक ऑर्गन है आपके किडनीज. आपके किडनीज और इसके साथ रिलेटेड कुछ एक्सेसरी डक्ट्स हैं और कुछ ऑर्गन्स हैं, ये सब मिलके आपके बॉडी का एक सिस्टम बनाती है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम. और यूरिनरी सिस्टम का काम है आपके बॉडी के अंदर यूरिन को प्रोड्यूस करना या पेशाब पैदा करना. पेशाब आपके साथ एक वेस्ट मटेरियल है जिसको यूरिनरी सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं. आज के टॉपिक में हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं, उनमें मौजूद डिफरेंट ऑर्गन्स हमने पढ़ना है और वो ऑर्गन्स क्या काम करता है उसको हमने पढ़ना है, राइट? आपके बोर्ड के ऊपर मैंने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, राइट? ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर होते हैं दो किडनीज. इसके अंदर क्या मौजूद है? दो किडनीज मौजूद हैं. कितने किडनीज हैं? नंबर वन, इसके अंदर मौजूद हैं किडनीज, दो किडनीज हैं. किडनीज हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं डार्सल बॉडी वॉल के साथ, बैक साइड के साथ अटैच होते हैं, राइट? इनका काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? इसके साथ दो एक वेन मौजूद है, एक आर्टरी मौजूद है. इसको ब्लैक को मैंने आर्टरी लिखा हुआ है और ब्लू को वेन हम कहते हैं. ये एक वेन है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती है, और आर्टरी हार्ट से ब्लड किडनीज की तरफ लेकर आती है. यहाँ पे आप देखते हैं इस आर्टरी की मदद से, जिसको कहा जाता है रीनल आर्टरी, इसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी की मदद से किडनीज के अंदर ब्लड दाखिल हो रहा है और इस वेन की वजह से वापस निकल रहा है, इसको कहा जाता है रीनल वेन, इसकी वजह से वापस निकलता है. तो आर्टरी यहाँ पे खून की फिल्ट्रेशन होती है और साफ खून यहाँ से वापस निकलता है, राइट? यहाँ पे किडनीज के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उनको नेफ्रॉन कहा जाता है. वही नेफ्रॉन इस ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं. फिल्ट्रेशन के दौरान ब्लड में मौजूद टॉक्सिक मटेरियल या वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है. वेस्ट मटेरियल इन ट्यूबिंग्स के नीचे, इस ट्यूबिंग के जरिए नीचे आता है, इसको कहा जाता है यूरिटर्स, इसको हम कहते हैं यूरिटर्स. एक किडनी से भी एक यूरिटर निकलता है और दूसरी किडनी से भी यूरिटर निकलता है. यूरिटर यहाँ पे जो यूरिन प्रोड्यूस हो जाता है उस यूरिन को रिसीव करते हैं और इस यूरिन को एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लाया जाता है, जिसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर. इसको हम क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है. इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये एक मस्कुलर सैक होता है, इसमें यूरिन जमा होता है और जब ये फुल हो जाता है तो यूरिन इसके वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, जिससे पेन की सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचती है और हमें पता चलता है कि यूरिनरी ब्लैडर
यूरिन से भर गया है, फिर इसको खाली किया जाता है। तो इसको खाली किया जाता है यहाँ से, यहाँ पे एक डक्ट मौजूद है, उसको कहा जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के ज़रिए यो यूरिन बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है जी। यूरिनरी सिस्टम क्या है? यूरिनरी सिस्टम आपके बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसका काम है बॉडी के अंदर यूरिन प्रोड्यूस करना। बॉडी के अंदर यूरिन प्रोड्यूस करना यूरिनरी सिस्टम का काम है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर होते हैं दो किडनीज हैं, दो यूरिटर्स हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर हैं, राइट। अब तरीक़ेकार इसका क्या होता है, इसके अंदर एक आर्टरी दाखिल होती है और एक वेन इससे निकलता है। जो आर्टरी दाखिल होती है उसका नाम है रीनल आर्टरी और जो वेन इससे निकलता है उसको कहा जाता है रीनल वेन। आर्टरी के थ्रू इसमें ब्लड आता है और वेन के थ्रू इससे ब्लड निकलता है। ब्लड जब आ जाता है तो किडनीज़ के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। वही नेफ्रॉन इस ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद इसमें से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवा देते हैं और साफ ब्लड को बॉडी में दोबारा भेज दिया जाता है। जो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाते हैं वो इन ट्यूब्स के ज़रिए, जिसको हम यूरिटर्स कहते हैं, किडनी से बाहर आता है और ये यूरिटर यूरिन को एक पाउच के पास ले आता है जिसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर सैक है, इसके अंदर यूरिन जमा होता है और जब ये यूरिन से भर जाता है तो फिर इससे यूरिन को खाली किया जाता है एक डक्ट के ज़रिए जिसको कहा जाता है यूरेथ्रा, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरिनरी सिस्टम। आपने इसके डायग्राम को बनाना है और मुख्तलिफ पार्ट्स के नाम सीखने हैं और ये पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, राइट। इसके साथ टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं एक मरतबा फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर दो किडनीज होते हैं, दो यूरिटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और उसके साथ यूरेथ्रा होता है। ये किडनीज कहलाते हैं, दीज आर द किडनीज। इन ट्यूब्स को यूरेटर कहा जाता है, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं और इससे एक डक्ट निकलता है जो यूरिन को बाहर लेकर जाता है, इसको यूरेथ्रा कहा जाता है, राइट। इसके अंदर एक आर्टरी दाखिल होती है जो ब्लड को किडनी के अंदर लेकर जाती है, उसको यूरिनरी आर्टरी कहा जाता, सॉरी, इसको रीनल आर्टरी कहा जाता है और एक वेन इससे ब्लड को बाहर लेकर जाता है जिसको रीनल वेन कहा जाता है, राइट। आपका होमवर्क इसके हवाले से है, draw neat and label diagram of urinary system and explain different components of urinary system, right? Explain different components of urinary system, draw neat and label diagram, okay? इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, राइट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यन्फ़अना वज़िदना इल्मा।